ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन सी ऑफ हिंदीज मॉडल टेस्ट पेपर वन। सेक्शन सी है हमारा, लिटरेचर सेक्शन के ऊपर बेस्ड है सहायतक भाग जो कि 34 मार्क्स का है। तो इसमें हमारे पास आएंगे गद्यांश और काव्यांश टू आएंगे जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 5-5 मार्क्स के। देन क्वेश्चन नंबर 6 होगा जिसमें हमने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 7 में से 5 और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। देन प्रश्न नंबर 7 उसमें फिलअप्स आएंगी 1-1 मार्क की 3 फिलअप एंड सेम ट्रू फॉल्स 1-1 मार्क की 3 ट्रू फॉल्स। एंड देन प्रश्न नंबर 9 है शब्द संग्रह जो कि 10 मार्क्स का होगा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 विच इज आर राइटिंग सेक्शन, जो सेक्शन डी है राइटिंग सेक्शन है उसमें आपको 10-10 मार्क्स के 2 पार्ट्स में आएंगे, या तो पैराग्राफ और स्टोरी में से चॉइस या एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस। राइट, तो मार्किंग स्कीम सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके बेटा, हाँ वीडियो, यस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। सो लेट स्टार्ट टू डू पैसेज अंडर लिटरेचर सेक्शन। प्रश्न नंबर 1, तो इस पैसेज को हम रीड कर चुके हैं अपनी वीडियो में, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स सेक्शन डी, सेक्शन डी ये मॉडल टेस्ट पेपर हमारा कौन सा है, फर्स्ट। और इसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सहायतक भाग का, लिटरेचर सेक्शन सहायतक भाग, राइट। बेटा स्क्रीन विजिबल हो रही है सब स्टूडेंट्स को? ओके ओके। सो प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट है हमारे पास भोजन से पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। हु विल टेल? काव्यांश यस, खूब चबाना चाहिए। यस, भोजन से पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन को खूब चबाना चाहिए। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, ग। तो ग के सामने आप टिक मार्क लगाओगे, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है पेट के बहुत से रोग डैश के कारण भी होते हैं। सो आपके पास ऑप्शन थे शुद्ध जल, अशुद्ध जल, अच्छे भोजन से या सारे ही। यस सौरभ, सौरभ विल टेल, अशुद्ध जल के कारण पेट के बहुत सारे रोग किसके कारण होते हैं, अशुद्ध जल। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, ख पार्ट, ख। यस ख। नेक्स्ट थर्ड, भोजन बहुत डैश नहीं करना चाहिए, कम, शुद्ध, मजेदार या पेट भरकर। यस यस पेट, यस पेट भरकर नहीं करना चाहिए। सो घ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यस फोर्थ, शुद्ध का अर्थ चुनो, मिलावट वाला, गंदा, बिना मिलावट का या बुरा। तो शुद्ध का क्या अर्थ होता है, शुद्ध, प्योर, जैसे हम बोलते हैं ना शुद्ध देसी घी, तो क्या वो कौन सा होता है, बिना मिलावट का, शुद्ध बिना मिलावट का। तो ग इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यस फिफ्थ, हमें खूब पेट भर भोजन करना चाहिए, सही या गलत। गलत, गलत, क्योंकि गलत। हमें ज्यादा पेट भर भोजन नहीं करना चाहिए। सो कौन सा ऑप्शन हुआ, ख, ख इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर नोट डाउन नहीं किए, रिटर्न वर्क नहीं कंप्लीट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Have you taken it screenshot?
यस मैम। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू रब इट। नेक्स्ट प्रश्न पांच। प्रश्न पांच है काव्यांश। काव्यांश मीन्स कविता, तो कविता में से लिया गया एक अंश है। तो फर्स्ट है, ये हमारी कौन सी कविता थी? आत्माभिमान, आत्माभिमान कविता थी। तो प्रश्न नंबर एक, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, आरती प्रसाद सिंह, हरिवंश राय बच्चन या कोई भी नहीं? यस सृष्टि, सृष्टि क, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। यस, हमें किनकी किनकी कीर्ति का ज्ञान होना चाहिए? सखे संबंधियों की, पितरों की, परिवार की या दोस्तों की? पितरों की। पितरों ते बड़े। यस, पितरों की ख। So, होते पूर्वज होती हैं। यस, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड है कीर्ति शब्द का अर्थ बताओ। यश या बड़ाई, क ख दोनों ही या कोई भी नहीं? यस दोनों। यस, क ख दोनों, यश भी होता है बड़ाई भी होता है, तो क ख दोनों ही आएगा। ग इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट फोर्थ, हमें किस पर अभिमान करना चाहिए? सब पर, दूसरों पर, अपने और अपने देश पर? यस, ग इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, फिफ्थ, अभिमान का पर्यायवाची शब्द है गरूर, घमंड, अहंकार या सारे? सारे, सारे। यस, सारे मींस घ पार्ट। तो आपने बेटा पेपर में भी अच्छे से क्वेश्चंस रीड करने हैं, आपको मोल्ड होके आ सकते हैं। जैसे हमने थर्ड किया जिसमें यश और बड़ाई दोनों आंसर थे, तो आपने अच्छे से चेक करना है। अगर आप यश को टिक करोगे तब आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका आंसर तो ग पार्ट है, आपने क लगाया हुआ है, राइट। और फिफ्थ में भी आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड किया, अभिमान का पर्यायवाची शब्द तो सारे ही थे, तो आपने घ आंसर को टिक किया। क्लियर? क्लियर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन सेवन। तो सेवन जो सिक्स प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर हैं। ये अभी हम नहीं करेंगे कि आपने नोट डाउन भी नहीं किए होंगे, तो पहले नोट डाउन करोगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में लर्न करके आंसर नोट डाउन करोगे, राइट। क्लियर, तो आप सेवन के सेवन ही करोगे। तो पेपर में आपके पास चॉइस होगी, आपने टू छोड़ देने हैं, जो आपको अच्छे से फाइव आते होंगे आपने वही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन। तो आगे अगर सेवन एट नाइन आपने नहीं नोट डाउन किया हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको बाद में इजी हो जाए। सो नेक्स्ट इज प्रश्न नंबर सेवन। सेवन कौन सा खाली स्थान भरिए। तो फर्स्ट, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे डैश करते हैं। वंशगिल, यस ग्रहण, ग्रहण करते हैं, वो ले लेते हैं। सेकंड, मच्छरों से डैश बुखार फैलता है। वेरी गुड, मलेरिया। वेट बेटा, मलेरिया, मलेरिया या डन। थर्ड, गरीबों और दुर्बलों पर अपनी डैश दिखाता है। शेखी, शेखी, यस शेखी दिखाता है। यस, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आठ। आठ में क्या है सही या गलत? गरीबों के पैसों से धनवान बन रहा है। यस, इट इज ट्रू। सेकंड, हमें खूब पेट भर भोजन नहीं करना चाहिए। यस ट्रू, नहीं करना चाहिए पेट भर भोजन। तेज ध्वनि हमारे शरीर की कार्य कुशलता बढ़ाती है। गलत। यस गुड, टेक इट स्क्रीनशॉट, टेक इट स्क्रीनशॉट। नहीं,
बेटा टेक इट स्क्रीनशॉट। डन। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 की तरफ मूव करते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन वोकैबुलरी सेक्शन। तो प्रश्न नंबर 9 है शब्द संग्रह। प्रश्न नंबर 9 शब्द संग्रह। फर्स्ट है माता शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो माता के 3 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? माँ, यस, माँ, जननी, अम्बा। माता भी हो सकता है अम्बा, राइट। सेकंड, माता तो दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड, यश शब्द का विपरीत अर्थक विलोम शब्द बताना यश का। अपयश, यस, यश का अपयश, क्रॉस करके लिखोगे अपयश। और थर्ड है हमारे पास श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका वाक्य भी बनाएंगे। शुरू करना, यस, इसका अर्थ हुआ शुरू करना। शुरू करना, यस, वाक्य बनाएंगे। मैंने अपने नए व्यापार, नई दुकान भी लिख सकते हो, नए व्यापार का श्री गणेश किया, का श्री गणेश किया। यस, नेक्स्ट फोर्थ इज भाववाचक संज्ञा बनाओ। गर्मी की भाववाचक संज्ञा, सॉरी, गर्म का भाववाचक संज्ञा गर्मी। गर्मी, गर्मी, यस, गर्म का गर्मी, सर्द का सर्दी। फिफ्थ, शिष्टाचार शब्द का अर्थ बताओ। शिष्टाचार, सभ्य आचरण, सभ्य आचरण, अच्छा बिहेवियर, सभ्य आचरण, सभ्य आचरण, राइट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, सिक्स इज स्वच्छ शब्द का विलोम शब्द लिखकर उसका वाक्य बनाओ। स्वच्छ शब्द, स्वच्छ क्या आता है? स्वच्छ साफ होता है, उसका हमने विलोम शब्द बनाना है। तो स्वच्छ का विलोम, यस, इसका अपोजिट गंदा। तो इसका वाक्य बनाइए, गंदा है, गली बहुत गंदी रहती है। यस, वह गली बहुत गंदी, हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, वह गली बहुत गंदी रहती, ये गंदा है। तो गंदा को क्या बनाओगे? वह गंदा है, वह पानी गंदा है। यस, जस्ट वेट बेटा, वह गंदा पानी है, हाँ, ये भी लिख सकते हो, तालाब का पानी गंदा है, तालाब का पानी गंदा है, गंदा है। तो ये भी आगे लिख सकते हो, उस तालाब का पानी गंदा है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेवंथ, वान शब्द के साथ शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाओ। वान, यस, कुछ भी बना सकते हो। बल के साथ वान जुड़ गया तो बन गया बलवान, यस, भाग्यवान। और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ। नेक्स्ट है एट्थ, एट्थ में है दुष्कर शब्द का अर्थ लिखो। दुष्कर, दुष्कर का क्या अर्थ है? बहुत कठिन, बहुत कठिन, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन, राइट। डन,
ओके सो यू विल डू इट्स अ 10th क्वेश्चन मीन्स सेक्शन डी योरसेल्फ. तो आपने सेक्शन डी अपने आप करना है. इसको अच्छे से लर्न करोगे. अगर आपको कंप्लीट लर्न नहीं हो रहा तो आप हाफ हाफ करके लर्न करोगे, फिर अपनी नोटबुक नंबर 2 में रिटर्न फॉर्म में करोगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 6 के अंडर फर्स्ट क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं हम. ओके मैम. ओके बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्माभिमान कविता के कवि कौन हैं? तो अभी हम आंसर भी लिखेंगे. आत्माभिमान कविता के कवि, वेरी गुड. तो हमने सारा क्वेश्चन लिखना है. आत्माभिमान पूरा लिखेंगे. आत्माभिमान कविता के कवि उसको भी कॉमास में लिखेंगे. मैथिली शरण गुप्त हैं. मैथिली शरण गुप्त, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंतिम छंद में किस किस को नर पशु और मृत्यु के समान बताया गया है? लास्ट जो भी छंद था उसमें किसको बोला गया कि यह व्यक्ति नर पशु और मृतक के समान है? यस, वेरी गुड. यस, देश की सम्मान की फिक्र नहीं है. यस, वह मनुष्य स्क्रीनशॉट ले सकते बाद में. जिसे अपने सखे संबंधियों या सखे संबंधियों के सुख दुख का ध्यान नहीं है. कॉमन पितरों के यश का ज्ञान नहीं है. सो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? पितरों के यश का ज्ञान नहीं है. ज्ञान नहीं है. और अपने देश के सम्मान सम्मान, आधा म पड़ेगा, सम्मान की फिक्र फिक्र नहीं है. ये हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुए. राइट. नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमें भोजन ढककर क्यों रखना चाहिए? तो भोजन ढककर क्यों रखना चाहिए? ताकि मक्खियों में आधा क मक्खियां भोजन को दूषित ये भी लिख सकते हो कि मक्खियां भोजन पर बैठकर दूषित न कर सके.
यस दूषित आएगा, प्रदूषित नहीं आएगा, प्रदूषित प्रदूषण वाला बन जाता है, जो जो प्रदूषण होता है हवा से पानी से, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, हमें भोजन में क्या क्या चीजें खानी चाहिए? तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए हमें? हमें भोजन में दाल, दालें, यस, हरी सब्जियां, यस, हरी सब्जियां, गेहूं, चने, मक्का की रोटी, यस, की रोटी, चावल भी आएगा, और फल, यस, मक्का की रोटी आदि खाने चाहिए, यस अनामिका? क्यों लिखे? क्योंकि ये भी खानी चाहिए। तो मक्की लिख सकते हो, मक्का लिख सकते हो, मक्का भी बोलते हैं उसको, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस किस प्रकार की सफाई आवश्यक है? कौन कौन सी सफाई आवश्यक है? अच्छे के लिए शरीर, शरीर, कपड़े। शरीर कैसे साफ होगा अगर हम रोज? वेरी गुड, साफ कपड़े, और अपने घर को भी साफ रखेंगे और अपने पास पड़ोस को भी, यस, पास पड़ोस को भी साफ रखना है हमने, पास पड़ोस, पास पड़ोस का साफ होना जरूरी है, का साफ होना जरूरी है। यस, होना जरूरी है, जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। बेटा रीड सिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं और क्यों? पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? यस, हमने फाइव क्वेश्चन कर लिए और टू क्वेश्चन ऐसे रिवाइज करेंगे। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं क्योंकि इन्हें जीवित रहने और अपना भोजन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यस, किन चीजों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते? किन चीजों के बिना जीवित रह सकते? जीवन, जल और पानी तो सेम हुए, वायु, जल और भोजन। यस, वायु, जल और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्लियर हुआ? ओके बेटा, 11 o'clock तक आप अपना ये वर्क कंप्लीट करोगे, 11 o'clock तक अपना वर्क कंप्लीट करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ईबीएस की, राइट। ओके बेटा, कंप्लीट योर वर्क। आपका जितना भी हिंदी का रिटर्न वर्क होगा विद आंसर्स, आपने उतना नोट डाउन करना है। जो आपका रह जाएगा पेंडिंग, वो आप क्लास ओवर होने के बाद या इवनिंग में कर सकते हो,
राइट, तो आपने हर मॉडल टेस्ट पेपर को जितना क्लास में होता है उसको रिवाइज भी करना है। डन? यस, सभी स्टूडेंट्स मेरे को वर्क सेंड नहीं कर रहे, सभी स्टूडेंट्स का वर्क आना चाहिए। डन? ओके बेटा, ओके। जिस जिसका वर्क आ रहा है उसका मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि इस स्टूडेंट का वर्क आ रहा है, इसका नहीं वर्क आ रहा। ओके ओके बेटा, तो मेरे को पता है किस किस स्टूडेंट का आता है, किसका नहीं आता, मैंने नोट डाउन किया, तो ये लिस्ट आपकी ऑफिस में भी जाएगी कि कौन से स्टूडेंट वर्क करते हैं कौन से नहीं करते। राइट, सो कंप्लीट योर वर्क साइड बाय साइड। यस, ओके रुत्वी। ओके बेटा, आज कर देना, कल आपको सैटरडे है तो कल आपके पास पंजाबी की वर्कशीट, पंजाबी की मॉडल टेस्ट पेपर वन आपको सेंड करूंगी, तो वो आपने कंप्लीट करना होगा। राइट, डन। कल क्लास नहीं होगी, कल आपको मॉडल टेस्ट पेपर वन मिलेगा पंजाबी का। ओके, तो आप सैटरडे संडे को अपना वर्क कंप्लीट करना ताकि मंडे को हम मैथ का नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर रेडी करेंगे। फाइन, ओके बेटा, लीव दिस मीट, बाय।